हेलो फ्रेंड्स, नया दिन नई शुरुआत, गोल्डन स्ट्रीम में आपका स्वागत है। आज आपको यात्रा करा रहे हैं मुर्देश्वर शिव टेंपल। अभी हमें मुर्देश्वर टूरिस्ट प्लेस, यहाँ धार्मिक भावना से लोग आते हैं और दर्शन करते हैं। जैसे मैंने बताया, यह जगह समुद्र किनारे होने के कारण टूरिस्ट प्लेस भी है और यहाँ पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट भी यहाँ आते हैं। आज हम आपको मुर्देश्वर श्री शिव भगवान के दर्शन करवाएंगे। पहले हम मंदिर भगवान के दर्शन करते हैं, फिर आपको पूरी डिटेल बताते हैं। ये हम टेंपल पहुंच चुके हैं और दर्शन करने के बाद आपको सब बात बताते हैं। अभी हम मंदिर के दर्शन करके आए हैं। भगवान शिव की अलंकार मूर्ति है, उसके साथ ही उत्सर्ग मूर्ति है, उसके आगे आत्मलिंग के दर्शन करें। आप आत्मलिंग को देख नहीं सकते, थोड़ा डिस्टेंस में दर्शन होते हैं। एटीन फ्लोर तक हम आ चुके हैं। दूर दूर तक हरियाली, पीछे पहाड़, नीचे वाइट दिखाई दे रही है। कि मन कर रहा है 10-15 मिनट यहीं खड़े रहें, इस व्यू को बार बार देखें। जब भी आप मुर्देश्वर आएं, इस बात का ख्याल रखें कि आप सुबह 6 बजे समुद्र के किनारे आ जाएं और बहुत मजा आएगा। है वर्ल्ड की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है, 123 फीट हाइट है। यहां पर केव भी है और ₹10 पर पर्सन टिकट निकाल के आप अंदर जा सकते हैं। इस स्थान की मानता के बारे में झांकियों के थ्रू दर्शाया गया है। इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा लैंग्वेज में आपको वॉइस सुनने को मिलेगी। जिस भी जगह आप खड़े होते हैं, वॉइस ओवर आ रहा होता है। सुनते सुनते, समझते समझते आगे बढ़ सकते हैं। 10-15 मिनट पूरी स्टोरी समझ जाएंगे। मैं आपको पूरा समझाता हूँ। आप जानते हैं, रावण ने भगवान शिव की तपस्या करी और उनसे उनका आत्मलिंग ले लिया। आत्मलिंग लेके रावण लंका की ओर जा ही रहा था। संध्या वंदन करने के लिए रावण ने समुद्र किनारे जाना था। भगवान गणपति वहाँ बाल रूप में आए। भगवान गणपति को रावण ने आत्मलिंग दिया और बोला कि इसको जमीन पर मत रखना। गणपति भगवान ने बोला कि मैं आपको 3 बार पुकारूंगा, अगर आप नहीं आए तो मैं जमीन पर रख के चला जाऊंगा। भगवान गणपति ने रावण को 3 बार पुकारा और रावण के ना आने पर आत्मलिंग को जमीन पर रख दिया। रावण जब संध्या वंदन करके आया तो क्रोध में रावण ने भगवान गणपति के सिर पर बहुत जोर से चोट मारी, जिसकी वजह से भगवान गणपति के सिर पे एक गड्ढा सा हो गया, जो अभी गोकर्णा में विराजमान है। फिर भगवान शिव भी गोकर्णा में स्थापित हो गए। ऐसा होने पर रावण ने जोर लगाकर धक्के से शिवलिंग को खींचा तो उसके कुछ टुकड़े हो गए। टुकड़े अलग अलग स्थान पर गिरे, जिसमें से एक स्थान है गोकर्णा, एक स्थान है सजेश्वर, एक दरेश्वर, एक गुणाश्वर। अभी जो हम यहाँ खड़े हैं, ये स्थान है मुर्देश्वर।
Woo!